प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के ऑक्सीजन प्लांट में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल आरएसपी में तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री उपेंद्र महारथी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट में हाल ही में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक उपयोगिता एवं पर्यावरण श्री आई राजन ने समारोह की अध्यक्षता की और योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा कारथा, वरिष्ठ प्रबंधक आईईडी श्री एसएस पूनिया और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री राजन ने सृजनी सुझावों द्वारा उत्पादन और निष्पादन में लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को सुधार के लिए नवीन और रचनात्मक सुझावों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। कुल 45 पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 32 पुरस्कार विजेताओं के सुझावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। इस अवसर पर 23,350 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यान्वित सुझावों से कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ अर्जित हुए हैं। श्री पूनिया ने विभागीय सृजनी के विशेष संदर्भ के साथ संयंत्र में सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेले के दौरान 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। प्रत्येक सुझावकर्ता को प्रतीक उपहार दिए गए। सहायक महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री पी के दास ने सभा का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया। MOMT ऑक्सीजन प्लांट श्री आर नायक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPTI में हाल में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हॉट स्ट्रिप मिल 1 और 2, न्यू प्लेट मिल, कोल्ड रोलिंग मिल, कोक अवन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, C&IT प्लेट मिल और एयर कंडीशनिंग विभाग के कुल 14 कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सत्रों में तनाव की अवधारणा, दैनिक जीवन में इसका प्रभाव, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहजयोग के माध्यम से व्यक्तित्व परिवर्तन, तनाव से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन और ध्यान को सबसे अच्छी तकनीक के रूप में बताया गया। चक्रों और नाड़ियों का उपयोग करते हुए ध्यान पर एक व्यवहारिक सत्र भी आयोजित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं श्री उपेंद्र महारथी। मई 1908 में ओडिशा के पुरी जिले के नरेंद्रपुर गांव में जन्मे श्री महारथी अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त एक कलाकार थे। उनकी कला गीत गोविंदम, ओडिशी नृत्य या छऊ नृत्य, कविता में व्यक्त संस्कृति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को आत्मसात करती है। वे बचपन से ही समकालीन लोक कला और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। 1932 में श्री महारथी प्रसिद्ध प्रकाशन गृह पुस्तक भंडार में शामिल हो गए और पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित स्कूली पुस्तकों में श्री महारथी के रेखाचित्र और सजावटी डिजाइंस शामिल थे। उन्होंने बिहार में कला और शिल्प उद्योगों के मजबूत विकास के लिए एक संकेत सेवा दी। भुवनेश्वर में धौली शांति शिवालय के शानदार डिजाइन के पीछे भी उनका हाथ था। फरवरी 1981 में उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।